हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिररलेस के बारे में कि क्यों मिररलेस कैमरेज इतनी तेजी से पॉपुलर होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ फ्लॉज के बारे में। सबसे पहले कुछ बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या है मिररलेस और कैसे ये बेसिक DSLR से अलग है। तो जब हम DSLR की बात करते हैं तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि DSLR में जो लाइट पास ऑन होती है वो एक मिरर के थ्रू आपके व्यू फाइंडर पर नजर आनी शुरू हो जाती है, और जबकि एक जो मिररलेस है उसमें ये लाइट डायरेक्ट जाके सेंसर पर स्ट्राइक करती है और आपकी इमेज बिल्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल आपके मोबाइल की तरह है। जैसे हम अपने मोबाइल में देखते हैं कि जब तक हम अपना मोबाइल ऑन नहीं करेंगे तब तक हम उसका कैमरा ऑन नहीं कर सकते, सेम प्रोसेस आपके मिररलेस के साथ भी होती है। DSLR में ऐसा नहीं है। DSLR में हमने देखा है कि लोग पूरा सेटअप कर लेते हैं, सब कुछ सेट कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली एक शॉट लेने के लिए उसे ऑन करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि DSLR में जो आपकी लाइट है वो एक मिरर के थ्रू आपके आंखों पे आ जाती है, तो उसके लिए आपको अपने DSLR को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मिररलेस में ऐसा नहीं है। मिररलेस आपके मोबाइल की तरह ही है। तो जब आपका मिररलेस कैमरा ऑन होगा उसके बाद ही आप उसके थ्रू देख सकते हो, और उसके बाद ही वो फोटोग्राफ कैप्चर कर सकता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है व्यू फाइंडर। जो आपके DSLR का व्यू फाइंडर है वो आपको एक मिरर्ड इमेज दिखा रहा है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो जबकि जो एक मिररलेस है उसमें जो भी आपके व्यू फाइंडर पर नज़र आता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, मतलब वो इमेज सेंसर पे बन चुकी है और आपके प्रोसेसर के थ्रू आपको दिखाई जा रही है, वो एक बनी बनाई इमेज है। साइज, वेट, माउंट, स्पीड, फोकस, स्टेबलाइजेशन, वीडियो फीचर एंड लेंसेस। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जिन पर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल DSLR की, तो ट्रेडिशनल DSLR अपने साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं बिकॉज इनमें मिरर सिस्टम लगा होता है, और जो मिररलेस है उसने इसी बात पे बाजी मारी है क्योंकि मिररलेस में सबसे पहले वो मिरर हटा दिया गया, तो उस मिरर को हटाने की वजह से साइज़ को कॉम्पैक्ट करना आसान हो गया। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ों का ध्यान रखा गया, तो क्योंकि इसे एक ऐसा साइज़ देना था जो कि ईजी टू कैरी हो, तो उन्होंने उसे काफ़ी छोटा कर दिया। इवन अगर अभी आप देखोगे जो फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे हैं और फुल फ्रेम DSLR कैमरे हैं, इन दोनों के बीच में साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। जहाँ ट्रेडिशनल DSLR को कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ इसके बड़े साइज़ की वजह से, वहीं मिररलेस कैमरे अपने साइज़ में काफ़ी छोटे होने की वजह से ईजी टू कैरी हो गए हैं। वेट की अगर हम बात करें तो ये वो चीज़ है जहाँ पर मिररलेस ने बहुत जल्दी बाजी मारी है। अगर हम ट्रेडिशनल DSLR की बात करें तो इनका वेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इवन हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में 1 किलोग्राम बहुत ही आसान बात थी एक प्रोफेशनल DSLR के लिए। तो वहीं पर अगर हम देखें एक प्रोफेशनल मिररलेस लगभग 600 से 800 ग्राम का ही आता है, तो वेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया। अब मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि ये वो पॉइंट था जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, वो इसलिए क्योंकि अब अगर हम बात करें एक प्रोफेशनल की, तो वो एक काफ़ी लंबा शूट करते हैं, बहुत लंबे ड्यूरेशन का शूट करते हैं, तो वहाँ पर आपका एक एक ग्राम बहुत मायने करता है। और स्पेशली ऐसे टाइम पर जब आप उसमें बहुत हैवी लेंसेज लगा रहे हो, तो हैवी लेंसेज के साथ उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर आप वेट को थोड़ा सा भी कम कर पाते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रॉप बॉडी कैमरास की, तो क्रॉप बॉडी कैमरास में तो बहुत ही ज़्यादा आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो वेट है मिररलेस कैमरों ने बहुत ही एक्सपोनेंशियली उसको बहुत कम किया है। तो इन सब का फ़ायदा आपको मिला है इनकी एक्सेसरीज को यूज़ करने में। जैसे आजकल आप देख सकते हो गिम्बल पे इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है, तो गिम्बल पे 1 किलोग्राम का वज़न लगाने के बदले आप 600 ग्राम के वज़न से बहुत ज़्यादा देर तक उसे होल्ड कर सकते हो, बिकॉज वो कंटिन्यू आपके आपको अपनी बॉडी को मूव करना है, आपको अपने हैंड्स को मूव करना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा भी वेट अगर आपका कम हो जाता है तो वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। माउंट जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे थे वो जनरली सिर्फ 2 टाइप के माउंट आ रहे थे, जिसमें पहला था क्रॉप बॉडी के लिए और दूसरा था फुल फ्रेम बॉडी के लिए। यहाँ पे कैनन ने अपने जो क्रॉप बॉडी मिररलेस हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा एम माउंट निकाला था, और उसके बाद अब जो जैसे कैनन और निकॉन इन दोनों ने जब अपने मिररलेस कैमरे निकाले तो उनके लिए उन्होंने एक अलग ही माउंट निकाल के दिया है। तो इस माउंट का जो बेनिफिट है वो ये है कि क्योंकि ये माउंट बड़े हैं, साइज़ में बड़े हैं, फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो इनके लिए फास्ट लेंसेज बनाना आसान हो गया है। इसके अलावा क्वालिटी, इमेज स्टेबलाइजेशन, इस टाइप की बहुत सारी जगहों पर ये बड़ा माउंट आपको हमेशा हेल्प करने वाला है।
स्पीड यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जब एक DSLR को यूज किया जाता था तो वो एक मिरर को फ्लिप करता था। उस मिरर को फ्लिप करने के लिए पूरी मैकेनिकल प्रोसेस लगती है जिसमें बहुत हाई स्पीड ले पाना मुश्किल हो जाता है, जबकि एक मिररलेस बिना मिरर के होता है तो वहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो मैकेनिकली प्रोसेस किया जाए। इलेक्ट्रॉनिकली आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए आपकी स्पीड बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि जनरली एक DSLR जो बहुत अच्छा प्रोफेशनल DSLR हो सकता है लेकिन स्टिल उसके जो FPS हैं वो बहुत कम हो सकते हैं, 10 या 10 से कम हो सकते हैं, जबकि यहीं पर एक जो मिररलेस है उस मिररलेस में उस FPS को 10 से ज़्यादा ले जा सकना बहुत आसान हो गया है। पांचवें नंबर पर हमारा पॉइंट है फोकस। फोकसिंग के लिए मैं ये कहूंगा कि अभी तक जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज की जाती थी उसके लिए एक अलग सेंसर यूज किया जाता था जो कि आपकी जो फोकसिंग है उसको लिमिटेड कर देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि वो सेंटर की तरफ को ज्यादा लिमिटेड रहता है, बहुत ही एक छोटे से अगर इतना बड़ा आपका सेंसर है तो वो बीच में ही कहीं पर आपको फोकसिंग देता था। लेकिन जैसे ही मिररलेस आया तो क्योंकि वो पूरा मैकेनिज्म ही हट गया है तो उसकी वजह से आपका जो भी लाइट है वो डायरेक्टली आपके सेंसर पे आती है और सेंसर को आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो। यहां पे इवन आप देख सकते हो कि अभी करंट सिनेरियो में लगभग 90% जो हमारा सेंसर है उसको यूज किया जा रहा है फोकसिंग के लिए। छठे नंबर पर बारी आती है स्टेबलाइजेशन की। अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो हम देख चुके हैं कि जो मिररलेस सिस्टम है क्योंकि इसमें डायरेक्ट लाइट आपके सेंसर पे आती है तो आप अपने सेंसर के थ्रू स्टेबलाइजेशन कर सकते हो। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि लेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन हो रहा है, अब सेंसर के थ्रू भी स्टेबलाइजेशन किया जा सकता है। तो उसके लिए अलग अलग तरीके हमने देखे हैं, जैसे कुछ कंपनीज हैं जो सेंसर में जो डेटा इलेक्ट्रॉनिक डेटा आ रहा है उस इलेक्ट्रॉनिक डेटा में कुछ क्रॉप करके स्टेबलाइजेशन देती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो अपने सेंसर को मूव करके स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं। तो अभी तक जो पहली टेक्निक थी वो थी लेंस की स्टेबलाइजेशन की, अब हो गई सेंसर की स्टेबलाइजेशन की। तो आप दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो और अपने लिए 3 एक्सिस या 5 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन ले सकते हो। क्योंकि आपका सारा का सारा लाइट सेंसर पे आ रहा है तो इसकी वजह से आप अपने वीडियो में बहुत अच्छे फीचर्स ले सकते हो। आप अपने वीडियो में स्टेबलाइजेशन और इसके अलावा फोकसिंग, बहुत ही फास्ट फोकसिंग यूज कर सकते हो। 4K बहुत कॉमन सी बात हो गई है, साथ ही साथ लाइट वेट होने की वजह से आप इनको गिम्बल पे आसानी से माउंट कर सकते हो। अभी जो भी मिररलेस में एडवांसमेंट हुई है उसमें सेंसर और नए प्रोसेसर, इन दोनों ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया है। इनकी वजह से वीडियो क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा इन्हांसमेंट हुई। अब अगर हम बात करें अभी तक के जो अवेलेबल लेंसेज थे जो कि DSLR में यूज़ हो रहे थे, तो DSLR में यूज़ होने वाले लेंसेज को हम देखते हैं कि वो ट्रेडिशनल लेंसेज हैं। उनकी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी लंबे टाइम से होती आ रही है, लगभग 30 सालों से हम लोग कैनन में ही EF लेंसेज यूज कर रहे हैं ऑटो फोकस के साथ। तो जब नया मिररलेस आया और नया माउंट आया तो ज़रूरत पड़ी कुछ ऐसे लेंसेज बनाने की जो कि हाई स्पीड के हों, हाई क्वालिटी के हों और साथ ही साथ हाई फंक्शनल हों। तो अभी हम देखते हैं कि नए माउंट के साथ जो नए लेंसेज आ रहे हैं, चाहे वो कैनन के RF लेंसेज हों, चाहे वो निकॉन के Z लेंसेज हों, चाहे वो सोनी के G मास्टर लेंसेज हों, वो सारे लेंसेज अपने आप में मास्टरपीस हैं। पहली तो ये हो गया कि इनके जो नेटिव लेंसेज हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के लेंसेज हैं। दूसरा, आप माउंट के थ्रू उनके बाकी और जो लेंसेज हैं पहले से आपके पास जो सीरीज चली आ रही है, चाहे निकॉन हो या कैनन हो, इनके पास या सोनी के पास जो अपनी पुरानी सीरीज है उस पुरानी सीरीज को आप उसमें यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि आपको लेंस के लिए कुछ सी नई जगह नहीं तलाश करनी पड़ेगी, आपके पुराने लेंसेज भी चल सकते हैं और जो नए लेंसेज आ रहे हैं उनका बेनिफिट तो आप ले ही सकते हो। तो ये सारी बातें थी कि क्यों मिररलेस इतना ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। मिररलेस टेक्नोलॉजी को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने को उस लेवल तक लाने में जहाँ पर लोग उन पर ब्लाइंडली भरोसा कर सकें कि हाँ हम इनसे वो सारे काम कर सकते हैं जो हम DSLR से करते थे। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो मिररलेस में एज ए फ्लॉ देखे जाते हैं। तो सबसे पहला फ्लॉ जो हमें नज़र आता है वो आता है ड्यूरेबिलिटी का। ड्यूरेबिलिटी के केस में आप ये समझ सकते हो कि क्योंकि अगर आप एक DSLR यूज़र हैं या अगर आपने आपका कोई दोस्त DSLR यूज़र है तो आपने देखा होगा वो लोग उसे सर्विस बहुत सालों में कराते हैं। मिररलेस के केस में ये इतना ड्यूरेशन ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका एक बेसिक रीज़न है कि जब भी आप अपने कैमरे में लेंस चेंज करने के लिए अपने कैमरे को अपने लेंस को डिमाउंट करते हो, आप देखते हो कि आपका जो सेंसर है वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है और वो खुली हुई कंडीशन में है, तो उसमें डस्ट का जाना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट मैं लेना चाहूंगा वो है रिजिडिटी का। रिजिडिटी को आप ये कह सकते हो कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी वर्किंग स्टाइल में, किसी भी टेम्परेचर में चल सकने लायक जो खासियत है वो काबिलियत DSLR में हुआ करती थी।
वो उस बॉडी को देख के आप ये समझ सकते हो कि ये बॉडी कहीं पर भी चल जाएगी, इससे जो छोटी मोटी हमारी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आती है उनसे उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप एक मिररलेस को हाथ में लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसे उतने रफली कहीं भी यूज करना पॉसिबल नहीं है। जब हम देखते हैं कि ऐसी जो प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं जहां पर हमें जरूरत पड़ती है एक ऐसी बॉडी की जो कि वेदर शील्ड हो, तो वहां पर मैक्सिमम जो मिररलेस हैं वो फेल हो जाते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर हमने अभी तक देखा है कि लोग क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे हैं मिररलेस पे, उसका एक बड़ा रीजन है बैटरी लाइफ का। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो जो DSLR हैं, ट्रेडिशनल DSLR हैं और जो प्रोफेशनल DSLR हैं, वो काफी लंबी बैटरी लाइफ देते हैं और उसकी वजह से जो भी प्रोफेशनल हैं वो बेझिझक कहीं भी शूट कर सकते हैं। उनको सिर्फ 2 या 3 बैटरीज कैरी करनी होती थी और वो पूरे दिन भर शूट कर सकते थे। लेकिन अगर आप एक मिररलेस यूजर हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि मिररलेस में जब हम शूट कर रहे होते हैं तो आप देखते हो कि बहुत जल्दी आपके मिररलेस ने बैटरी कंज्यूम कर दी है और उसके बाद जो अभी तक आप अपने पास 1 या 2 बैटरीज रख रहे थे, अब आपको पूरा बैटरीज का अच्छा खासा सेट रखना पड़ता है, 6, 7, 8, वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का शूट करते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो मैं लेना चाहूंगा नेटिव लेंसेज का। नेटिव लेंसेज का मतलब होता है कि बिना किसी एक्सटर्नल माउंट के आप अपने लेंसेज उसमें फिट कर सकते हो। तो ये एक बड़ा चैलेंज अभी भी है, क्योंकि किसी भी कंपनी के पास जो अपना नेटिव लेंसेज हैं वो बिल्कुल उंगलियों पे गिने जा सकने लायक नंबर्स में हैं। तो हालांकि हर कंपनी ये कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी नेटिव लेंसेज लाए जा सकें, तो ये एक ऐसा चैलेंज है जो अभी भी एज ए फ्लॉ देखा जा रहा है। तो हमने इस वीडियो में वो फीचर्स देखे जिनकी वजह से मिररलेस टॉप पे आता जा रहा है, और हमने कुछ फ्लॉज के बारे में बात की जो अभी भी जिन पे काम करना बाकी है, जो अभी भी चैलेंजेस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए यूजर हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मैंने नया क्या वीडियो डाला हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।